वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। मौलाना फजल रहमान बंद गली में जा रहे हैं, पहले सिर्फ पानामा था, पानामा टू आ गया। मैं वक्त से पहले बात करता हूं, लोग मजाक उड़ाते हैं, पहले कह दिया था ये इस्तीफे नहीं देंगे, जमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पीडीएम से कहता हूं लॉन्ग मार्च की तारीख बताएं, आपका इस्तकबाल करेंगे। मुझे कोई फिक्र नहीं है नून की, वो अपना मसला खुद सेट कर लेंगे। मुझे कोई जरा से भी फिक्र नहीं है पीपल्स पार्टी की, वो अपने मसले सेट करने के मायर हैं। मुझे फजल रहमान की फिक्र है, बंद गली में जा रहा है। फजल रहमान जिस बंद गली में जा रहे हो उससे दीन के मदरसों को ना नुकसान पहुंचे। पहले पनामा था, अब पनामा टू आ गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि नई जदादें निकलने जा रही हैं। मैं वक्त से पहले बात करता हूं और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैंने ये कहा था कि ये जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, आज देखेंगे ये जिमनी इलेक्शन में कंपेन कर रहे हैं, ये जिमनी इलेक्शन की कंपेन कर रहे हैं। मैं पीडीएमए से कहना चाहता हूं, आप जनाब तारीख बताएं कब आपने तशरीफ लानी है, इसी तरह आए जिस तरह इलेक्शन कमीशन में आए हैं। आपका इस्तकबाल करेंगे, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी, कोई रुकावट नहीं खड़ी। लेकिन बंदे अपने लेके आए, बंदे इमरान खान ने नहीं देने आपको।